नमस्कार, यूपी 32 न्यूज में आपका स्वागत है। विपिन अग्निहोत्री जी से बात करते हैं। विपिन अग्निहोत्री स्कार्ट का सेक्रेटरी, ये हमको सारे जिलों में हमने पत्रकारों की टीम को, शिक्षकों की टीम को, समाज सेविकों की टीम को हायर किया है एज अ वॉलेंटियर। और इस कड़ी में अगर हम अपने मकसद में कामयाब हुए, अगर हम, क्योंकि अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या हम अपने मकसद में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अगर हम 5 लाख वीडियोज़ अपलोड कर पाए तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हम लोगों का आएगा और उम्मीद है कि हम लोगों को सफलता मिलेगी। युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये फैशन ब्लॉगर हैं श्रद्धा। जैसा कि आपने ये सोच बनाई है, इसमें आप किन किन वर्ग के लोगों को शामिल करेंगे? देखिए, हम सारे वर्गों को शामिल करेंगे। जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें कोई बेईमानी की गुंजाइश ना हो, तो हम वीडियो अपलोड करते वक्त उनका नाम, उनका एड्रेस, उनकी ऑक्यूपेशन और वो किस पर्टिकुलर जिले को बिलोंग करते हैं, शहरी क्षेत्र में ही, सारे यूपी, सारे ग्रामीण क्षेत्र में, सारे ग्रामीण और वो दोनों, क्योंकि उत्तर प्रदेश जितना शहरी है उतना ग्रामीण भी है और जब तक हम ग्रामीण परिवेश में नहीं जाके करेंगे तब तक हमें इस पूरे अभियान को पूर्ण तरह सफलता नहीं मिलेगी। और युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने श्रद्धा दुबे जी, जो फैशन ब्लॉगर हैं बहुत फेमस, वो युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगी और उनके लिए कुछ अपील करना चाहेंगे। टाइम टू स्पीक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका मुख्य उद्देश्य है हमारे यूपी के जो लोग हैं, जो युवा हैं और जो बाकी के लोग हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन कर सकते हैं एंड वो आके हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इसीलिए एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए और लोगों के लिए दिया गया है। उसके लिए आपने क्या प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है? सोशल मीडिया टूल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया यूट्यूब और फेसबुक। और जैसे कि यूट्यूब और फेसबुक ऐसा मीडियम है, अगर आप उसे अच्छे तरीके से यूज़ करें यू वुड गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स, बट अगर आप उसे गलत तरीके से सिर्फ अफवाहें फैलाने के लिए करेंगे देन इट डजंट मेक सेंस। तो जैसे श्रद्धा जी की भी फेसबुक में और यूट्यूब में काफ़ी अच्छी रीच है, तो हम चाहेंगे कि वो अपील करें युवा वर्ग से कि वो इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जुड़े। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं युवा वर्ग से यही बोलना चाहूँगी कि वो हमारे इस प्लेटफॉर्म से आके जुड़ें और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी वो डिस्कशन करना चाहते हैं, वो हमारे साथ आके कर सकते हैं। जो आपका प्रोग्राम है इसके तहत आप मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को भी शामिल करेंगे? हाँ जी, श्योर। कोई भी, चाहे वो मध्यम वर्ग हो चाहे वो कोई भी हो, वो आके इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात रख सकता है। फेसबुक आज ऐसा एक मीडियम है जहाँ पे लोग कई गलत खबरें फैलाते हैं जिससे एक बहुत केओस का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता था। यहाँ से एक पोलाइटनेस, एक खुले रूप से इंसान अपनी बात रख सकता है जो एक अच्छे तरीके से हर इंसान सुन सकता है, पढ़ सकता है, देख सकता है और एक अच्छी अवेयरनेस फैल सकती है लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर और उनको नहीं ये फिल्म नहीं है, ये जो लोग अपनी प्रॉब्लम से अपनी बातें भेजेंगे वो है ये। सर वीडियो में विशेष क्या रहेगा? वीडियो में विशेष ये रहेगा कि हम किसी भी जाति, किसी भी क्लास, किसी के साथ कोई वो नहीं करेंगे। हमें सिर्फ एक ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए अपने राज्य के बारे में जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी उनके इनपुट्स हों, जो भी उनके पॉजिटिव इनपुट्स हों, जो भी उनके नेगेटिव इनपुट्स हों, हम उसको सोशल मीडिया में अनएडिटेड डालेंगे। आपके कार्यक्रम का उद्देश्य क्या, सब्जेक्ट क्या है? उद्देश्य बहुत सिंपल है, हम ये चाहते हैं कि यूपी एज अ राज्य जिसके बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है, बहुत परसेप्शन है कि यूपी में ऐसा होता है, यूपी में वैसा होता है, हम चाहेंगे कि वो मनोदशा, वो ओपिनियन, वो पॉइंट ऑफ व्यू हम बदलें। कोई विशेष मुद्दा रहेगा? नहीं, मुद्दा कोई भी हो, वो यूपी से ओरिएंटेड हो, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो रिलीजियस बात हो, हम सारे मुद्दे कर सकते। जैसा कि कुछ लोग वुमेन्स के लिए ही विशेष मुद्दा बना के रखते हैं, उस विषय में आप क्या? हमारी कोई नीच नहीं होगी, हम सारे मुद्दों पे काम करेंगे और हम चाहेंगे कि हम यूपी का नाम रोशन करें। अगर हम, क्योंकि बहुत मुश्किल है 2 महीने में 5 लाख वीडियोस बनाना, लेकिन अगर हम उसमें सफल हुए तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आएगा और हम काफी अच्छे से चीजों को कर पाएंगे। आपके टीम मेंबर्स कौन कौन से रहेंगे? हमारी टीम में बहुत अनुभवी पत्रकार है, समाज सेवी है, शिक्षक है और वो हर वर्ग है जो वॉलंटियर की तरह हमारे साथ काम करते हैं। उसमें श्रद्धा जी का क्या रोल रहेगा? श्रद्धा जी प्रेसिडेंट है हमारे यूथ में, तो हम चाहेंगे कोई एक
ऐसा चेहरा जो यूथ से कनेक्ट कर सके, वो श्रद्धा जी का काम होगा कि वो यूथ को कनेक्ट करा पाए और यूथ को अपनी भावनाएं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वो चीजें बता। श्रद्धा जी आपका इस विषय में क्या कहना है? ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं? नहीं, ऊंचाइयाँ अगर मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन ऊंचाइयाँ मकसद नहीं है। मकसद है समाज में एक ज्वलन मुद्दे को उठाना। देखिए, हम पर्टिकुलर किसी एक मुद्दे पे काम नहीं करते, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहुत सारा यूथ या बहुत सारे लोग ऐसे हैं सुबह अखबार पढ़ते हैं और अखबार पढ़ते भूल जाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ कहने का माध्यम नहीं होता है। वो अपनी बात कहाँ पे ले जाए, वो दोस्तों में चार लोग बैठ के बात करते हैं, वो बात वहाँ खत्म हो जाती है। तो इस प्लेटफॉर्म से वो अपनी बात रख सकते हैं, अपने वीडियोज को खुद बना के हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं अपनी डिटेल्स के साथ। आज इंसान जो अपनी बात नहीं रख पाता है और उनकी बात आगे तक जा ही नहीं पाती है, चार दोस्तों के बीच ही खत्म हो जाती है, अब वो अपनी बात 100 लोगों तक, 200 लोग तक, 1000 लोग तक इजीली ले जा सकता है। तो ये तो ये काम तो एबीपी न्यूज़ पे भी आदमी डाल सकता है। एबीपी पे 2 महीने में 5 लाख वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है। मुंगेरी लाल का टारगेट है आपका 2 लाख? 2 महीने, 2 महीने में 5 लाख वीडियो बनाना जी विद प्रॉपर इनकम दे दिया जी। आपका कार्यक्रम मीटू से मिलता जुलता रहेगा क्या? नहीं, मीटू से कोई लेना नहीं। अच्छा।